जय हिंद दोस्तों, मैं हूं फौजी संदीप कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा आर्मी मेडिकल के अंदर अगर आपके हाथों के अंदर बैंड है तो आप उन्हें किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि ये एक्चुअल में हमारे हाथों के अंदर बैंड है या नहीं है, ये बैंड हमारे हाथों में किस वजह से आया है। और ये वजह जान लेने के बाद में आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि हमें इस बैंड को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। आइए तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये लड़का है और इसके हाथ देखिए, ये एकदम फिट एंड फाइन है। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो दोनों हाथों को इस प्रकार से आप मिलाएं। जब आप इन हाथों को इस प्रकार से मिलाएंगे तो आपके हाथों में यहाँ पर कम से कम 4 अंगुल से अधिक गैप होना चाहिए, यानी कि कम से कम 6 सेंटीमीटर का गैप आपके इन हाथों के अंदर यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप सिंगल हैंड को आप ऐसे देखते हैं तो आपको देखने से ये सीधा पता चल जाएगा कि ये हाथ एकदम सीधा और सही। आपको यहाँ से चेक करना है, जब आप यहाँ से मिला के देखेंगे तो आपको सब तक पता चलेगा। उसके बाद में आप अपने हाथों को इस प्रकार से करेंगे तो आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ से ये हिस्सा मांस का ऊपर उठा हुआ, यानी कि ऊपर नीचे कोणी बैंड नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ये कोणी बैंड है या नहीं है। उसके बाद में डॉक्टर आपको क्या करता है, पहले ऐसे ऐसे देखता है, फिर ऐसे करता है, फिर आपको ऐसे भी देखता है। जब आप ऐसे देखते हैं तब भी आपको ये पता चलना चाहिए कि ये हाथ दोनों तीनों ही कंडीशन के अंदर इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए और सीधे होने चाहिए। इस प्रकार से आप जांच करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपके हाथ के अंदर बैंड है या नहीं। अच्छा, तो अब आपको पता चलेगा कि ये बैंड आपको हुआ किस वजह से। अक्सर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में हम बच्चे देखते हैं कि ऐसे हाथों के ऊपर बैंड रखते हैं, हाथों में जिस प्रकार से बैंड रखे तो आपने ये कोनी है ये अंदर की तरफ घूम जाती है, जिसकी वजह से हाथों में बैंड पड़ रहा है। दूसरा, हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे पुशअप लगाते हैं, बिगनर होते हैं, उन्हें पुशअप लगाने का सही से तरीका मालूम नहीं होता है और वो गलत तरीके से पुशअप लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बैंड पड़ जाता है। मैं गलत तरीके की पुशअप आपको अभी लगा के दिखा दूँ। बैंड पोजिशन दोनों बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे जितना अगर नॉर्मल अगर बच्चा पोजिशन के अंदर पुशअप लगा रहा है तो उसे क्या होना चाहिए, जितने अपने कंधे चौड़े हैं उतने ही चौड़े आपके हाथ होने चाहिए, यानी कि जितने चौड़े आपने कंधे हैं उतने ही जमीन के ऊपर हाथ होने चाहिए। आपने यहाँ तो लगाया, उसके बाद में जैसे आपको पुशअप लगाते हैं बैंड स्ट्रेच ये रुकिए, स्टॉप, नीचे रुको। अब इस बच्चे ने क्या गलती कर रखी है कि आप देखेंगे कि इसने अपनी कोहनियाँ है पेट के नीचे ले गया, जिसकी वजह से अपनी ये भूनी है ये अंदर की तरफ घूमेगी, अंदर की तरफ दबाव बनाएगी। जब ये अंदर की तरफ दबाव बनाएगी तो ये सवते ही हाथ अपने आप बैंड हो जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि आप अपनी कोहनियों को पेट के नीचे ना लगाएं, बाहर रखें इसको, यहाँ से ये इस प्रकार से बाहर रहेंगे तब आपको ये नॉर्मल पुशअप समझी जाएगी और इससे आपके हाथों को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। खड़े हो जाओ। हाँ, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर बैंड आ भी गया आपके हाथों के अंदर तो आप इसके लिए क्या करें, डायमंड पुशअप लगाएं। बैंड पोजीशन स्टार्ट। इसमें आपके हाथ बाहर की तरफ आ रहे हैं, कोहनियों के ऊपर बाहर की तरफ जोर पड़ रहा है, जिससे आपके हाथ हैं ये बाहर की तरफ घूमेंगे और आपके बैंड है वो कम हो जाए। खड़े हो जाओ। ये पुशअप लगाना आपके लिए बहुत आसान है और शानदार पुशअप आप जब लगाते रहोगे तब आपके हाथों के अंदर बैंड दूर हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप कोई भी एक पत्थर लें, ईंट लें, इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ के अंदर कौन से हाथ के अंदर ज्यादा बैंड है, कौन से हाथ के अंदर कम बैंड है। उससे आपको क्या करना है कि आप इधर मुकर अपनी हाइट के अनुसार कोई दूसरा बंदा पकड़े और उस प्रकार से आप यूं रखें, हाथ यूं रखोगे तो जिससे आपको क्या होगा कि ये हाथ का अंदर ये जो बैंड है आप इस मांस को ऊपर की तरफ खड़ा रखें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये ताकत है ये बाहर की तरफ रख गई, और आपने हाथ को लूज छोड़े जिससे आपका हाथ आगे की तरफ यूं घूमेगा और इधर से ये बैंड ऊपर की तरफ होगा। ये इससे क्या होगा कि आपके हाथ हैं वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। आप इस प्रकार से हवा में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ का सहारा लेते हैं तब ये बोनी है ये एकदम फ्री रहती है, जिससे आपको ये जल्दी ही ठीक होने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये दो प्रकार की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं नियमित रूप से तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इनको ठीक कर पाएंगे। एक पुशअप लगाना और दूसरे हाथ में वेट लेके आप इसको स्टैंडिंग रखना, किसी दीवार, दूसरे लड़के कहीं भी कंधे का सहारा लेके आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और जो पुशअप मैंने आपको बताया गलत तरीके की लगा रहे हैं आप उसको अभी से अवॉइड करें। क्या अगर आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या पहले खेल चुके हैं तो कोई बात नहीं, तो अभी आप खेलते हैं तो बल्ले के सहारे ना खड़े, अपने पैरों के दम के ऊपर खड़े।
अच्छा दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आर्मी मेडिकल में कोई दूसरा पॉइंट हो और आपको ये दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए पोस्ट करें। अच्छा दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।